अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुलमान। आप देख रहे हैं थाथन बी फार यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लाया हूं। ये देखिए, ये क्वीन केज है जी। एक दोस्त को दो क्वीन चाहिए तो मैंने भेजने के लिए ये पैकेज तैयार किया है। ये एक छोटा सा बाग तैयार किया है, इसके अंदर मैंने दो तीन चार चीज़ें लगाई हैं। ये देखिए, एक दो तीन चार फ्राक हैं। इन फ्राकों में काटन डाल दिए ताकि हम यहाँ पर पानी दे सकें। जब हम क्वींस को इसके अंदर बंद कर लेंगे तो इसके अंदर हम पानी देंगे। और यहाँ पर ये कैंडी लगा दी, ये कैंडी है। कैंडी हम बनाते हैं शुगर पाउडर और शहद की मदद से। ये एक सख्त सा क्वाम कैंडी से बन जाती है, सख्त सा मादा बन जाता है जो हम इसके अंदर डाल देते हैं, जिसको बीज खा सकती है। अगर हम शहद डालते हैं तो शहद निकल कर इधर उधर फैल जाएगा और बीज इसमें फंस के मर जाएंगी। और यहाँ पर मैंने पोलन डाल दिया है। ये शायद आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल ये सुराख जो है, चार सुराख किए हैं और इसमें मैंने पोलन डाल दिया है ताकि बीज जो है ना वो अच्छी खुराक बनाकर क्वीन को दे सकें। और इसके अंदर हम क्वीन डालेंगे। ये केज जो है हम इसको वर्कर एक्सप्लोडर पर सेट कर देंगे ताकि इसके अंदर वर्कर बीज ना जा सकें। और यहाँ पर हम नर्स बीज डाल देंगे। नर्स बीज यहाँ से ये कैंडी और पोलन और पानी लेकर क्वींस को देती रहेंगी। यूँ हमारी क्वींस जो है लंबा सफ़र तय कर सकेंगी और भूख की वजह से कम अज़ कम नहीं मरेंगी। और यहाँ पर हम ये जाली लगा देंगे। क्वीन डालने और बीज डालने के बाद यहाँ पर हम जाली लगा कर यहाँ पर कील लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये एक बिल्कुल सिक्योर्ड किस्म का पैकेज बन जाएगा। तो फिर हम इसको काफ़ी दूर तक जो है ना डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है जी। अगर आप क्वींस भेजना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो इस तरह से हम मंगवा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। यूँ हमारी क्वीन जो है काफ़ी लंबा सफ़र तय कर सकेंगी और मरेंगी भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी दोस्तों। जी दोस्तों, क्वीन जो है वो केज में डाल दी हैं। देखें, एक क्वीन यहाँ पे डाल दी है और एक इस केज में डाल दी है। ठीक है जी। अब इसमें ये है कि जिस कॉलोनी से आप क्वीन ले रहे हैं उस कॉलोनी से आपने नर्स बीज डाल ली, यानी ऐसी बीज जो ब्रोड्स पर होती हैं, यंग ब्रोड पर होती हैं। तो अब इससे जो मैंने बीज ली हैं यंग ब्रोड वाली, वो ज़्यादा हैं, लेकिन इससे मैं कम ले सका। तो ये देखें, जिस कॉलोनी की क्वीन होगी उस कॉलोनी की जो नर्स बीज हैं उस बीज की केयर करेंगी। लेकिन नर्स बीज को एक साथ कंबाइन करने से, मिक्स करने से ये आपस में फाइट नहीं करती। देखें, किसी किस्म की कोई फाइट नहीं हो रही। और यहाँ से बीज जो है वो कैंडी भी ले रही हैं और पोलन भी ले रही हैं और साथ साथ जो है वो पानी का भी यूज़ कर रही हैं और क्वीन की केयर भी कर रही हैं। ये देखें, यहाँ पर क्वीन के ऊपर हैं और इसको फीड दे रही हैं और यहाँ पर भी बीज हैं जो कि क्वीन को फीड दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इन क्वींस को दूर तक डिलीवर कर सकते हैं। बड़े शौक से कैंडी दे रही हैं और क्वीन की केयर शुरू कर दी है उन्होंने। ये देखें यहाँ पर बीज जमा हुई हैं और ये जाली की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो फीड दे रही हैं क्वीन को। और यहाँ की बीज जो हैं ये भी फीड दे रही हैं। देखें थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो नज़र आएगी। ये देखें वो ज़बान से जो है उसको फीड दे रही हैं। तो इस तरह से ये क्वीन जो है हम काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और ये इंशाल्लाह डेड नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।